हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो है मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो सब पता ही होगा, बट अभी धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ अबाउट मी, लाइक मैं कहाँ की रहने वाली हूँ एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। मेरा नाम है ज्योति निगम और घर का नाम है खुशबू। तो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में मेरे कज़न्स लोगों को मुझे बुलाते हुए सुना होगा खुशबू करके, बट मेरा ऑफिशियल नाम है ज्योति निगम। और मेरे फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं हैं। मम्मी की डेथ 10 ईयर्स पहले ही हो गई थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तभी। और मेरे दो भाई हैं, मुझे बहन नहीं है। कज़न्स बहुत हैं बट सगे में मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। बड़े वाले की शादी हो गई है और उनकी क्यूट सी मेरी प्यारी सी रेवा है, जो अभी जून में हुई है, जून 2020 में, अभी 7 मंथ्स की हो जाएगी। और वो लोग डोंबिवली में रहते हैं, मतलब उनकी लव मैरिज थी, तो ये घर तभी बना नहीं था, ये 1+1 तभी बना नहीं था, और उन्होंने वहाँ पे फ्लैट ले लिया था। उनका वहाँ फ्लैट और यहाँ पे मेरा घर बन रहा था, दोनों मतलब एक साथ हुआ ये सारी चीज़ें। और मेरे दोनों भाई अभी रिसेंटली लाइक 1-2 साल से उनका प्रोडक्शन है, गरीब प्रोडक्शन, तो उसमें वो लोग प्री वेडिंग शूट या वेडिंग फोटोग्राफी लाइक एवरीथिंग, या कोई सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, सबका ऑर्डर लेते हैं। और मेरी भाभी भी जॉब करती है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, बट अभी वो लोग रिसेंटली मेरे साथ यहाँ पे रह रहे हैं। मैं मुंबई से हूँ, मैं भांडुप में रहती हूँ, मुंबई में भांडुप में रहती हूँ मैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं फ़िलहाल जॉबलेस हूँ। मैं जॉब करती थी स्टार्टिंग से, अगर मैं बताऊंगी तो मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मम्मी की डेथ हो गई थी, और तभी हम लोगों की फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, तो मैंने तभी ड्रॉप कर दिया था। यहीं पे भांडुप में ही मेरा कॉलेज था, तो मैंने तभी अपनी स्टडीज़ जो है वो ड्रॉप कर दी थी। फिर अभी 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के गैप के बाद मैं जब जॉब कर रही थी, तभी एक फ्रेंड ने मुझे लाइक सजेस्ट किया कि तुम ग्रेजुएशन क्यों नहीं कम्प्लीट कर रही हो। और मुझे लाइक तभी इतना कुछ क्लिक नहीं हुआ कि मुझे ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, या कोई ऐसा किसी ने कभी समझाया भी नहीं, किसी ने बोला भी नहीं। तो जब मेरे फ्रेंड ने कहा कि, तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, ग्रेजुएशन तो लाइक एक बेसिक है जो कि मुझे 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। फिर मैंने करस्पॉन्डेंस दिया और अभी हाल फिलहाल ही मेरा रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गई, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे। सो मैंने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है और मैं जॉब 2014 से कर रही थी। और मैं 90 बॉर्न हूँ, मैं अभी 30 इयर्स की हूँ। वैसे तो कहते हैं लड़कियाँ अपनी एज नहीं बताती, बट आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मुझे कुछ शर्म नहीं है कोई चीज़ बताने में या छुपाने में। अगर मुझे झूठ किसी को बोलना है या समथिंग, तो मैं फिर वीडियो बनाऊँ ही क्यों, व्लॉगिंग करूँ ही क्यों, अगर मुझे झूठ बोलना है तो। सो आई एम 30 एंड दैट्स ओके, कि अगर आप 30 हो, 35 हो, 40 हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके। सबकी बोलते ना, हर एक का एज बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, सो इट्स टोटली फाइन। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं 30 की हूँ, मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ, सेटल्ड क्यों नहीं हूँ, जॉब नहीं है, कोई बात नहीं। देर से शुरुआत होगी लेकिन होगी, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी लिखा होगा नसीब में। अगर मैं छोटी छोटी चीज़ों का टेंशन लेने लगूंगी तो फिर तो, अभी तो मैं फ़िलहाल 3-4 बजे सो रही हूँ, अभी भी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ तो अभी 1 बज रहे हैं रात के और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड सेकेंड थिंग, मुझे आपको बताना था कि मैंने करस्पॉन्डेंस मुंबई यूनिवर्सिटी से ही किया है एंड ग्रेजुएशन हो गया। स्टडीज़ से रिलेटेड इतना ही था। मेरे फैमिली के बारे में मैंने बता दिया, मैं भांडुप में रहती हूँ, फैमिली भी यहीं रहती है। मेरे और चाचा चाची भी हैं, 2 चाचा चाची हैं, उनके बच्चे हैं, दादी है, दादा है, सब लोग हैं, सब आसपास ही रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग चौल में रहते हैं। मेरे घर के बाजू में मेरे चाचा चाची का घर है। मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने उनका घर भी देखा होगा, मैंने उनके गृह प्रवेश का वीडियो भी डाला था मेरे गणपति ब्लॉग में। एंड सेकेंड थिंग, ब्लॉगिंग का मुझे आइडिया, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। मैंने स्टार्टिंग में, अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे, तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ कुकिंग का डाल रही थी, मैंने ब्लॉगिंग का एक भी वीडियो नहीं डाला था। मुझे क्योंकि तभी लाइक ऐसे थोड़ा अजीब लगता था बात करने के लिए, कि कैसे कोई बात कर सकता है कैमरे के सामने या मोबाइल के सामने, जबकि सामने कोई है नहीं। बट
धीरे 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 कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता गया। मैं वैसे भी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखती थी, कुकिंग के भी देखती थी, बहुत सारे व्लॉग्स भी देखती थी। तो लॉकडाउन में ऐसी ही लाइक मेरे भाई लोगों का है, उनका है यूट्यूब पे चैनल, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद का चैनल बनाऊँ या कुछ करूँ। लाइक ऐसे मेरा कोई इंटेंशन था नहीं, मैंने बस ऐसे ही तुक्का मार के, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और हमेशा मेरे कज़िन्स लोग, मेरे घर वालों को मैं जो भी डिशेस बनाती हूँ तो पसंद आते हैं, तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा बनाती है ऐसा वैसा। ऑल ऑफ अ सडन माइंड में आया कि अगर मैं घर ही पे हूँ, जॉब पे भी नहीं हूँ, लॉकडाउन भी था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया लाइक वीडियो बनाना। पहले तो मैं मोबाइल से ऐसे हाथ में लेके बनाती थी, फिर लॉकडाउन में ही मेरे कज़िन ने लाइक स्टैंड कहीं से अरेंज किया, मुझे मिल गया वो, जो अभी टूट गया है, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैं कैसे कैसे अभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उसके स्टैंड के बिना वीडियो बनाने में। सो मैंने पहले लाइक मैं बोलती नहीं थी वीडियो में, तो मैं बोलती नहीं थी, सिर्फ मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक दे के कुकिंग का मैंने वीडियो डाला। तो 3-4 लोगों ने एक्चुअली मुझे बोला कि आप बोल क्यों नहीं रहे हो, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी प्रोसीजर है, आप बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर धीरे धीरे मैंने बोलना स्टार्ट किया। मैं कैमरे के सामने नहीं आती थी, जल्दी तो नहीं आती थी, थोड़ा बहुत आती थी, बट धीरे 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 अब मैं आपके सामने बैठी हूँ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। सो ये था यूट्यूब पे आने का, लाइक मई में मैंने स्टार्ट किया है, अभी लाइक 7-8 महीने हो गए हैं, बट मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइबर मेरे बढ़ा दो यार, जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एटलीस्ट 1000 तो कर दो सब्सक्राइबर। सो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपके ऊपर है, वो मैं फ़ोर्स नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगेंगे तो ही करिए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। सो हो गया, फैमिली के बारे में मैंने बता दिया, मैं कहाँ रहती हूँ मैंने बता दिया, मेरे स्टडीज़ के बारे में आपको पता दिया, अभी जॉब का मैं कुछ भी, मैं ब्लैंक हूँ, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कुछ पता नहीं, मिलेगा तो भी मैं आपको बता दूँगी, नहीं मिलेगा तो भी आप मुझे रोज़ देखोगे ही वीडियो में, कुछ ना कुछ मैं वीडियो बनाती ही रहूँगी। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, लेकिन अभी लाइक बीच में मैं गई थी तब, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। मैं एक दो ट्रिप पर गई थी लास्ट ईयर, बट तभी मेरे व्लॉग्स नहीं थे। अगर मैं अब ऐसा सोच रही हूँ कि काश मेरा चैनल तब होता, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिप था दोनों भी मेरा, बहुत लाइक बहुत ही अच्छा था। और मैं ये जो भी वीडियो बना रही हूँ मैं मोबाइल से बना रही हूँ, मेरा मोबाइल भी टूट गया है, टूटे हुए मोबाइल से मैं ये सारे वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मेरे भाइयों के पास है, लेकिन वो उनका लाइक काम का है, तो मैं अपने यूज़ के लिए उसको नहीं लेती हूँ, मैं अपने मोबाइल से ही काम चला रही हूँ जब तक है। मेरे पास जब पैसा आएगा मैं ले लूँगी खुद के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और एडिटिंग भी मैं खुद ही कर रही हूँ, इसलिए मेरे सारे वीडियो रॉ रहते हैं, मैं ज़्यादा कुछ उसमें डाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज है नहीं, जो कुछ भी सीख रही हूँ धीरे धीरे सीख रही हूँ खुद से। सो दैट्स ऑल, ये था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ लेना, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, मैंने आपको बता ही दिया। मैं चौल में रहती हूँ, मेरा 1+1 है, नीचे मेरे पापा रहते हैं, मैंने आपको आपका घर, मेरा खुद का घर भी बता दिया है, नीचे ऊपर का मेरे ये होम अलोन वीडियो में है मेरा घर का वीडियो पूरा, एंड अभी देखते हैं आगे। सो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।